विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस माह में होने वाले प्रदेश सरकार के अंतिम विधानसभा सत्र के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और सरकार को घेरने के लिए तैयारियां कर ली हैं। विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश में होने वाले विधानसभा सत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकालेगी और सरकार के काले कारनामों को उजागर कर जनता के सामने लाएगी। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर जमकर प्रहार किए। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की जानमाल व सुरक्षा की हिफाजत करने में पूर्णतः विफल रही है और यह मुद्दा प्रमुखता से विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। साथ ही सचिवालय में चल रहे भ्रष्टाचार, ड्रग्स माफिया के बढ़ते धंधों के अलावा स्थानीय जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है लोगों के जान माल और सम्मान की रक्षा करना और प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने इस मुख्य काम को करने में ही पूरी तरह विफल हुई है। नन्ही मनियों से बलात्कार हुए हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की गई है। ये मुद्दा प्रमुख तौर पर उठेगा। हर मंत्रालय में, हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा। प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया है। ड्रग माफिया का मुद्दा उठेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब हुई है और हर क्राइम के पीछे ऐसी सूचना मिल रही है कि ड्रग माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये मुद्दा गंभीर तौर पर उठाया जाएगा। प्रत्येक विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे भी उठाएंगे, सरकार को पूरी तरह घेरेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले का ये अंतिम सत्र होगा और इस सत्र के दौरान नालायक, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार को पूरी तरह प्रदेश में हम एक्सपोज करेंगे और जनता को बताएंगे कि जितनी जल्दी सरकार से छुटकारा हो उतना ही अच्छा रहेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर धूमल ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर कभी टिप्पणी नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आपसी बयानबाजी साबित कर रही है कि कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है और पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़ने को भी तैयार बैठे हैं। कभी किसी पार्टी के आंतरिक मामले में कभी टिप्पणी नहीं की, लेकिन कांग्रेस के लोग प्रतिदिन अनाप शनाप टिप्पणियां करते रहते हैं और कल तो मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, पर संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है, मुट्ठी भर लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो एक तरफ तो कहते हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष में तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है तो कांग्रेस में ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा और उनके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है और मुट्ठी भर लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं।